पहला कारण ये है कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के अंदर मनोनीत पार्षदों की संख्या बढ़ाने के लिए, दूसरा दिव्यांगों को इसके अंदर एक सदस्य मनोनीत करने के लिए, और तीसरा दिव्यांग व्यक्ति को उस चुनाव की प्रक्रिया के अंदर गणना नहीं करने के लिए, और ये तीन आधारों के ऊपर ये संशोधन लेकर आई है। मैं इसके कारण और उद्देश्य देख रहा था सभापति महोदय, तो इन्होंने लिखा कि व्यक्तियों के स्थानों की संख्या में भी वृद्धि किए जाने की व्यापक रूप से मांग विभिन्न लोक प्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा की जाती रही है। तो माननीय मंत्री महोदय, ये जो प्रतिनिधि और संगठनों के पत्र आपको मिले होंगे, तो एक बार वो भी टेबल कर देना कि किस किस ने लिखे हैं या जनप्रतिनिधि और संगठन कौन कौन से हैं जिनकी मांग पे आप ये कानून में संशोधन लेकर आए हो। सभापति महोदय, मेरा सीधा सीधा आपसे एक निवेदन है, जब हमारी सरकार एक संशोधन लेकर आई थी कई स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनावों के अंदर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई, और उस शैक्षणिक योग्यता के बाद में पहली बार जो सेक्रेटरी ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबानों का दुरुपयोग करते थे या उनको स्टैम्पेड समझते थे, पढ़े लिखे लोग ग्राम पंचायतों के अंदर आने लगे, सब विवेक के आधार पर निर्णय करने लगे, तो इसी कांग्रेस के सरकार के विधायकों ने इसी जगह के ऊपर बैठ कर आरोप हमारे ऊपर लगाते थे कि आपने लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसकी आस्था के ऊपर हमला करने का काम किया है। अशिक्षित व्यक्ति भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर भाग ले सकता है, उसको भी हिस्सा लेने के लिए सरकार ने एक बंदिश लगाने का काम किया। और सभापति महोदय, उस समय चीख चीख के इन्होंने कहा कि कितने लोगों को आपने जेल की सलाखों के पीछे भेजने के ऊपर मजबूर कर दिया, शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर फर्जी वो अंक तालिकाएं लेकर आए, चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने की वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे गए। तो क्या सभापति महोदय, मैं ये मान के चलूं कि आपने जो दिव्यांगता की जो बात कही है कि दिव्यांग व्यक्ति की गणना उस कैटेगरी के अंदर नहीं की जाएगी, तो क्या ये मेडिकल के जो सर्टिफिकेट बनेंगे इस बात को कौन प्रमाणित करेगा कि साहब ये ईमानदारी के साथ बनेंगे? क्या दिव्यांगता के प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से नहीं बनेंगे? और आने वाले समय के अंदर क्या इस नगर पालिकाओं के अंदर भी इस तरीके के प्रमाण पत्रों के आधार के ऊपर लोग नगर पालिकाओं में जाने का काम नहीं करेंगे? सभापति महोदय, मेरा सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप है, आप अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आप इस तरीके के संशोधन लेकर आए हो। आप यदि नगर पालिकाओं के अंदर संशोधन लेकर आते तो संशोधन ये लेकर आते कि राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कितनी नगर पालिकाएं ऐसी है जिन नगर पालिकाओं में अधिशासी अधिकारी, आप नगर पालिकाओं में चार्ज किसको दे रहे हो? कोई जयन है तो आप जयन को चार्ज दे रहे हो, कोई वहां पर बाबू है एलडीसी है एलडीसी को आप चार्ज दे रहे हो, अगर एलडीसी नहीं तो आप तो चपरासी को चार्ज देने के लिए तैयार हो। नगर पालिकाओं के अंदर सीधा सीधा मेरा आरोप है सभापति महोदय, इन नगर पालिकाओं को ठेकेदार चलाने का काम करते हैं, ठेकेदार कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, उनसे डिजायर करवाते हैं और अपना इच्छित कर्मचारी लगाने का काम करते हैं। जो नगर पालिका का यो ईमानदारी से काम कर रहा है वो उनके कहने से गलत काम नहीं कर रहा, उसको तत्काल ठेकेदार हटवाने का काम करते हैं, दूसरे को चार्ज दिलाने का काम करते हैं। आज राजस्थान की कितनी नगर पालिकाएं, कितना बजट उनके पास है, उस बजट के आधार के ऊपर आप तय करो कि ये महत्वपूर्ण है। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मास्टर प्लान तो आपने बना दिया, लेकिन मास्टर प्लान की पालना कौन कर रहा है? कितनी नगर पालिका ऐसी है जो मास्टर प्लान की अनुसार काम करने में काम कर रही है? आज भी सभापति महोदय, नगर पालिका, नगर परिषद, इनके अंदर बेशकीमती जमीन पड़ी है, क्यों नहीं आप इनका लैंड बैंक बनाने का काम करते हो? लेकिन इन्हीं के चुने हुए जनप्रतिनिधि उस सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का काम करें। मेरा सीधी सीधी मांग है सरकार से कि सरकार ऐसे कानून लाने के बजाय, ऐसे संशोधन लाने के बजाय वो संशोधन लेकर आए जो स्थानीय नगर पालिकाओं के अंदर हितकारी हो। और सभापति महोदय, एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा, आज नगर पालिकाओं की दशा क्या है? आज नगर पालिकाओं के अंदर बजट आप दे नहीं रहे हो। अभी नौका से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मेरी चोमू नगर पालिका की स्थिति भी वही है, पेयजल की आपूर्ति का काम भी नगर पालिका चोमू को दे रखा है, वो नगर पालिका अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने में तो कई दिन लगा देती है, तो आखिरकार विकास के काम वो कैसे कराएगी? बिजली के बिलों का भुगतान कैसे करेगी? पीएचडी के द्वारा जो पहले बोरिंग होते थे नगर पालिका, वो बोरिंग कैसे करवाएगी? पाइपलाइन डालने का काम कैसे करेगी? इसलिए मैं चाहूंगा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप जिन नगर पालिकाओं के अंदर पेयजल आपूर्ति की सप्लाई दे रखी है उनको तत्काल बंद करने का काम करें। और एक अंतिम निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा सभापति महोदय, कि आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके के हालात बन रहा है वो हालात इस प्रकार के हैं कि आप स्थानीय निकाय, जिसको कहने में तो ऑटोनोमस बॉडी है, कहने में तो स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन आखिरकार सरकार उसके ऊपर शिकंजा कसने के ऊपर आतुर है।
आप आज भी नगर पालिका है राजस्थान की, स्वतंत्र बोर्ड की बैठक के अंदर जो कामों का अनुमोदन लेती है पिक एंड चूज के आधार के ऊपर आज सरकार काम कर रही है। जो सरकार को अच्छा काम लगते हैं उसको स्वीकृति जारी होती है, जो सरकार को अच्छा काम नहीं लगता है वो स्वीकृति जारी करने का काम नहीं करते। इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार जो संशोधन लेकर आई है और इन तीनों कैटेगरियों के अंदर सरकार कम से कम जल्दबाजी नहीं करें। वैसे जल्दबाजी आपको इस बात की होगी कि हमारा कल का भरोसा नहीं, आप रात को आराम से सोओगे कल सुबह सूर्य उदय होगा तो क्या गुल खिले हुए मिलेंगे राजस्थान में, आपको भी पता है कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप डर और भय के आधार के ऊपर ये संशोधन लेकर आए हो, इनको बंद करो। और सभापति महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार इनको जनमत जानने के लिए प्रचारित करे और आने वाले समय के अंदर आप सदन का समय खराब ना करें इस तरीके के संशोधन लेकर आने के लिए। समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शोभा रानी, श्रीमती संतोष।